में बॉस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दुनिया के सबसे शक्तिशाली सदन में। पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। जी हां, पीएम मोदी थोड़ी देर में अमेरिकी संसद में संबोधन देंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और कुछ ही देर में पीएम मोदी का अमेरिका में संबोधन होने वाला है। 2018 में भी, यानी अब से करीब 5 साल पहले भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सदनों को संबोधित किया था। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर इस दौरान हैं और पीएम मोदी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित किया जा चुका है। बताते हैं आपको, दोनों सदन अमेरिका के संसद के यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा काम करते हैं, कुछ हद तक उसी तरह से अमेरिका के ये दोनों सदन यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स काम करती हैं। सीनेट को अपर हाउस कहा जाता है और वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर बात करें तो उसे लोअर हाउस यानी निचला सदन कहलाता है। दोनों सदन कानून बनाने और पारित करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि दोनों की शक्तियों में काफी अंतर है और अमेरिकी कांग्रेस का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। जाहिर तौर पर अमेरिका वो देश जहां डेमोक्रेसी लोकतंत्र सबसे पुरानी है और भारत वो देश जहां पर डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है। अमेरिकी संसद की आधारशिला 1789 में रखी गई थी और अब ये घड़ी बस कुछ ही पलों में आने वाली है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को सामने रखेंगे। दोनों सदनों के अमेरिका के संयुक्त सत्र में अपनी बातों को रखेंगे। आपको बता दें, स्टेट विजिट पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा और अमेरिका की तरफ से इस तरह का ऑनर, इस तरह का सम्मान दुर्लभ होता है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने निकटतम सहयोगियों को ही ऐसा मौका देता है और भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए यह सम्मान और गौरव की बात है। क्योंकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, अमेरिका जैसा वो देश जिसका लोकतंत्र दुनिया में सबसे पुराना है, उसकी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को ये पल मिला, ये दुर्लभ सम्मान मिला। आपको साथ ही साथ ये भी हम यहां पर जानकारी देना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर पहले न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। पहले दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से अपनी बातें सामने रखी गई, क्योंकि करीब करीब 3.5 घंटे के तक दोनों की बातचीत हुई द्विपक्षीय मुद्दों पर, अपने देश को आगे ले जाने के लिए दुनिया की जो इस वक्त की तात्कालिक समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर भी बात वहां पर विस्तार से हुई। इस बैठक के बाद, इस बातचीत के बाद दोनों आए, अपने अपने बयान वहां पर दिए। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने अपनी बारी आने पर अपने अपने बातों को सामने रखा। उसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां ये भी हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस संयुक्त वार्ता में या कहेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और भारत कटिबद्ध हैं आतंकवाद के प्रति, कट्टरता के प्रति, और साथ ही साथ जिस रूप में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो गतिविधियां हैं उसके प्रति। जाहिर तौर पर जब कूटनीति इस तरह से होती है तो किसी देश का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन इशारों को समझने वाले आसानी से समझ जाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रूप में और किस तरह से ये इशारा किया है। लगातार ये अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चलता हुआ, न सिर्फ भारतीय मूल के भारतीय समुदाय के लोग वहां पर बिल्कुल उनका स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी भव्य तरीके से अमेरिकी नागरिकों की तरफ से, अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता की तरफ से ये भी बात कही गई जो कि एक सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के, क्योंकि अंत में एक प्रेस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो चुकी है, उससे पहले ये बयान दिया था। और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता की तरफ से जॉन किर्बी, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और हमें खुशी है कि वो भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लगातार जो गर्मजोशी यहां पर दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर।